हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और समझेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम डाइपोल के आजू बाजू अगर रखें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज। तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डाइपोल क्रिएट होता है। डाई मतलब दो पोल्स और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे दो पोल्स है। ठीक है, ये दोनों पोल्स को हम टू ए डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर होता है। ये डिस्टेंस सेंटर से प्लस क्यू का डिस्टेंस ए होगा, सेंटर से माइनस क्यू का डिस्टेंस ए होगा और दोनों डिस्टेंस मिलके बनेगा 2a। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये डाइपोल का जो हमारा डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो ये डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ होती है और वो उसको डिनोट करेंगे हम पी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द सेपरेशन ऑफ द डाइपोल डिस्टेंस इज 2a। द डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इट इज डिनोटेड विद दिस एरो एंड इट इज पी। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू डॉट 2a, मतलब इस पर्टिकुलर चार्ज का स्ट्रेंथ। ठीक है, और डिस्टेंस 2a। बहुत ही सिंपल सा है ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमको इस पे दो एप्लीकेशन दिए हुए हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन है कि अगर किसी चार्ज को हम इसके एक्सिस पे रख दे, इसके एक्सिस पे रख दे तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक्सिस का है कहां। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सेस। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में एक और पॉइंट है, ये सेंटर देख रहे हैं। सेंटर से अगर कोई लाइन कुछ गुजारा जाए परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, ये हमारा ये लाइन को सेंटर से गुजारे और परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल ले, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, फिर समझिए, पॉजिटिव क्यू से माइनस क्यू ये जो एक्सिस देख, ये लाइन देख रहे हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं और सेंटर से जो लाइन होते हुए जा रही है इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ये एक्सिस लाइन है। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट अलग और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट को हम एक्सिस पे रखें तो क्या होगा और इक्वेटोरियल लाइन पे रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है पी पॉइंट ऑन एक्सिस लाइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि अगर हमने एक चार्ज को ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव क्यू और एक चार्ज ले लिया नेगेटिव क्यू। ठीक है, इसको डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, इसका डिस्टेंस है 2a, सेंटर को O ले लिए, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, बहुत सिंपल सा है। हमने एक P पॉइंट ले लिया P, ठीक है, इस P पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों चार्ज मिलके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हमको ये फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा है। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आता है, मतलब इस साइड आएगा, तो ये इधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू। नेगेटिव वाला अंदर की तरफ बनाता है तो ये इस साइड बनाएगा, ये बनेगा हमारा E माइनस क्यू। ये प्लस क्यू माइनस क्यू को ब्रैकेट में रखिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये था हमारा सिंपल सा डायग्राम। प्लस क्यू वाला हमेशा आउटर फील्ड में बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव वाला हमेशा अंदर की तरफ बनाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अंदर की तरफ बनाया मतलब इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट को इधर से खींचा और ये बाहर की तरफ बना रहा है तो इसने इसको इधर धकेला। ठीक है, तो अब हमको दोनों का सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग निकालना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है हमारा E
प्लस क्यू को ले लीजिए, ठीक है। डाइपोल की डायरेक्शन हमारी ये रहेगी, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, ठीक है। अब डिस्टेंस देखना है ना, तो ये सेंटर से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है आर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है आर, तो हमको क्या लेना है, क्यू से लेना है। तो ये पूरे डिस्टेंस में से अगर ए को मैं माइनस कर दूं तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाता है, तो हम लिखेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ क्यू प्लस क्यू इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसी को आप सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो निकालिए, तो ई माइनस क्यू, ठीक है, q अपॉन 4 pi epsilon naught, ठीक है। डिस्टेंस कैसे लेंगे, ये r और ये a दोनों मिलके बनेगा r प्लस a का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, मतलब दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव, बहुत सिंपल सा है। इन दोनों को हमको अब जोड़ देना है क्योंकि हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा आएगा E प्लस Q प्लस E माइनस Q, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा Q अपॉन 4 pi epsilon naught R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस Q अपॉन 4 pi epsilon naught r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस माइनस बन जाता है, तो लिख सकते हैं हम q अपॉन 4 pi epsilon naught r माइनस a का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस q अपॉन 4 pi epsilon naught r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसमें से कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल लीजिए, तो q q कांस्टेंट है, 4 pi epsilon naught कांस्टेंट है, अब इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर और इसमें बचेगा 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा q अपॉन 4 pi epsilon naught, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर और ऊपर आएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल और ऊपर आएगा r माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो q अपॉन 4 pi epsilon naught इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पास में, ठीक है। तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 r a माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 r a, ठीक है। अब इसको देखिए, बहुत सिंपल सा है ये, आर माइनस ए आर प्लस ए, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हम यहां लगा देते हैं, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इस माइनस को अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा, ये बनेगा q अपॉन 4 pi epsilon naught और ये बनेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 r a माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2 r a, ठीक है, और नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आएगा q अपॉन 4 pi epsilon naught, ये बनेगा 2 r a 2 r a 4 r a और ये मिलेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है। इसमें से ये 4 कैंसिल कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारे पास में आया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या आया, क्यू आर ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल सा है ये। अगर इस पे हमको थोड़ा सा अपग्रेड करना है इसको, तो कैसे करेंगे,
कि अगर मैं मानता हूं कि ये पर्टिकुलर पी पॉइंट इस डाइपोल के मुकाबले बहुत दूर पे रखा गया, मतलब ये ए डिस्टेंस बहुत ही छोटा है कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पी पॉइंट का डिस्टेंस के मुकाबले, तो हम लेके चलते हैं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम इस ए को नीचे वाले ए को नेगलेज कर देते हैं अगर, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बनेगा क्यू आर ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए को हमने नेगलेज कर दिया, तो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा क्यू आर ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर फोर आर और ये बना क्यू, तो हमारे पास बनेगा क्यू ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, तो ये भी एक हमारे पास में एक्सेप्शनल केस में आता है ये वाला फॉर्मूला। तो एक्सिस के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले बनते हैं, पहला फॉर्मूला बनेगा ये वाला क्यू आर ए अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये 4-4 को कैंसिल नहीं करते हैं, तो इस पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप काट लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं काटेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो न्यूमेरिकल्स पे आपको इसको कैसे वैल्यूज को लेना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होती है 4π ε₀ की, ठीक है, तो बहुत लोग इसको कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे ही रख दिया जाता है, पर हमको अभी तो हम सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं इसलिए हमने इस 4-4 को कैंसिल कर दिया। तो एक एक्सेप्शनल केस क्या था कि आर अगर बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ए के मुकाबले तो इस वैल्यू को हमने जीरो मान लिया, क्योंकि ये तो इससे बहुत बड़ा है तो नेग्लिजिबल के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता है और ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ जाता है। तो ये पूरा डेरिवेशन हमारा अपना P पॉइंट ऑन एक्सिस लाइन, इस एक्सिस लाइन पे अगर P पॉइंट को रखा जाए तो हमारा कैसा फॉर्मूला बनेगा, इसी को अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि P पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे अगर रख दिया जाए तो हमारा क्या डेरिवेशन बनता है। तो ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर P पॉइंट, सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है जो P पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से पहले हम डाइपोल बना लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पॉइंट है दोनों, ये डिस्टेंस सेंटर ओ, डिस्टेंस बनेगा ए ए, टोटल डिस्टेंस बनेगा 2a, हमको क्या करना है इस इक्वेटोरियल लाइन पे पी पॉइंट को रख देना है, मान लीजिए कि ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको, तो ये प्लस क्यू से ये इधर जोड़ दीजिए और इसको इधर जोड़ दीजिए, तो ट्रायंगल बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं, तो पॉजिटिव से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाता है, तो देखिए ये इधर जा रहा है, देख रहे हैं, तो ये बनेगा ई प्लस क्यू, ठीक है। अब देखेंगे कि ये सीधा सीधा नहीं, ये दो कॉम्पोनेंट बनाएगा, एक बनाएगा ऊपर की तरफ और एक बनाएगा सामने की तरफ में, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ऊपर की तरफ जो कॉम्पोनेंट बनाएगा वो E प्लस क्यू का साइन थीटा बनाएगा, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वो E प्लस क्यू कॉस थीटा बनाएगा, बहुत सिंपल सा है। इसी तरीके से नेगेटिव वाले को देखिए, ये अंदर की तरफ खींच रहा है ये इधर, तो एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ बनेगा, तो ये बनाएगा E प्लस माइनस क्यू कॉस थीटा और एक बनाएगा नीचे की तरफ इधर खींच रहा है, क्योंकि देखिए तो रिजल्टेंट ये बनेगा E माइनस क्यू का रिजल्टेंट बनेगा ये, ठीक है, नीचे की तरफ बनेगा E माइनस क्यू का साइन थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब इस पर ध्यान देंगे अगर, तो एक ऊपर की तरफ खींचे एक नीचे की तरफ खींचा सेम इंटेंसिटी से सेम मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाला कॉम्पोनेंट नीचे वाले कॉम्पोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कॉम्पोनेंट की तरफ, E cos थीटा वाला, तो E cos थीटा इधर जा रहा है, प्लस Q वाला भी और नेगेटिव वाला भी, तो दोनों क्या होगा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है माइनस Q और ये प्लस Q, ये बनेगा इस साइड में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये A बना, इसका डिस्टेंस सेंटर से यहां का डिस्टेंस बनेगा R, ठीक है, ये ए है ये आर है, यहां 90 डिग्री है, तो ड्यू टू द पाइथागोरस थ्योरम ए और आर, तो ये मिलेगा हमको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है।
फिर समझिएगा, ए और आर दिया हुआ है, हमारे पास में एक ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बनता है कि अगर ये ए है और ये आर है तो ये हाइपोटेन्यूज होने के कारण में ये एच अगर मैं मान लेता हूं तो एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एच की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसको अंडर रूट ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू कितना होगा, क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा यहां से यहां का, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, और ये पी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन, बहुत सिंपल सा है। अब इस पे आपको आगे मैं बताता हूं क्या क्या है जब इसको हम हटाएंगे। तो इसी तरीके से सेकंड वाले को भी लीजिएगा, तो ये भी बना q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस सेम है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो आगे लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p वेक्टर, और इसको भी लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं वो एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा कि वर्टिकल कॉमन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है, तो ऐड किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसमें देखिए कॉस कंपोनेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो मुझे कौन सा टर्म लेना है, यहां पास में कॉस का टर्म लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों अगर कॉस कंपोनेंट रखते हैं और इसका डायरेक्शन राइट साइड में है, देखिए इसका डायरेक्शन राइट साइड है और हमारे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, तो दोनों के दोनों माइनस हो जाते हैं इस पॉइंट पे। तो जब हम इसका ऐड करेंगे, देखिए फिर से, जब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, टोटल, तो इन दोनों का जब मैं ऐड कर रहा हूं तो माइनस को पहले ही बात मैं पहले से ही माइनस लगा देता हूं क्योंकि दोनों को मुझे ऐड करना है, तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। ठीक है, पहले से ही मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस, अब ये दोनों को लिख लीजिए आप, तो क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये इसको हटाएंगे तो हमारा आएगा cos टर्म, तो इसको लिखेंगे cos थीटा p ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमको ये cos बताता है कि cos टर्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ऐड हो रहा है। इस पोजीशन पे हमारा क्या है, ना ही हॉरिजॉन्टल है और ना ही साइन वाला टर्म, वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें दोनों के दोनों है, पर इसमें हमारा कॉस टर्म आ जाता है। दोनों का ऐड कर दीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 30 p वेक्टर। अब कॉस टर्म निकालना हमको, तो कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, कॉस का हमारा फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा इस पोजीशन पे, तो बहुत ही सिंपल सा है हमारा बेस, ये देखिए ये थीटा है हमारा। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस हमारा बनेगा ये वाला पोजीशन ए, और हाइपोटेनस बनेगा ये वाला, मतलब ये ले लीजिए, ये लीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, या फिर देखिए दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो 2 कर लेते हैं इसको ऐड, ये बनेगा 2q cos थीटा p वेक्टर, दोनों के दोनों सेम है इसलिए 2। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें cos टर्म की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 2q p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर a स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये आएगा 2 q a p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये अंडर रूट में है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अंडर रूट में से बाहर निकाल के ऐसे लिखूं तो सेम हमारा आता है। ठीक है,
ये और ये दोनों एक ही है, ठीक है। अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पास 1/2 है इसके पावर में और इसके पावर में 1 है, तो 1 और 1/2 का जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3/2, ठीक है। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में 3/2, बहुत सिंपल सा है। तो ये हमारा बना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर कोई पी पॉइंट को रखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है, ठीक है। अभी देखिए 2qa है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से चेंज कर सकते हैं, तो ये p इलेक्ट्रिक डाइपोल p वेक्टर अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब हम मान के चलते हैं कि ये दोनों डाइपोल का सेपरेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू इस p पर्टिकुलर डिस्टेंस के मुकाबले, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू a, तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला बनेगा p वेक्टर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बनेगा आर का स्क्वायर, ठीक है, और ये बना 3/2, इसमें 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ई इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बनेगा आर का क्यूब। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पास में और एक फॉर्मूला हमारा बनेगा ये वाला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमको बताते हैं कि अगर किसी पर पी पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट पे रखा जाए तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा और क्या क्या कंपोनेंट इस पे आते हैं। तो ये है टोटल डेरिवेशन ऑफ इक्वेटोरियल पी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है, पी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आई होप आपको अब ये एक्सिस लाइन वाला और इक्वेटोरियल लाइन का टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और ये अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।